अगर आप इस तरह से चीजों को देखेंगे ना, लाइक करने का क्या पैमाना है, चुनाव जीतना, यही पैमाना है ना। तो मुझे आप एक बात बताइए कि यही प्रश्न जब हमसे पूछा जाता है कि आपके लोग चले गए वहां, ठीक है, तो वो लोग जब यहाँ थे तब भी जीत रहे थे और वो लोग जब वहां गए तो तब भी जीत रहे हैं, तो ये लाइकिंग का पैमाना क्या है? लाइकिंग का पैमाना सिर्फ और सिर्फ जो है, हम अभी चुनावी रिजल्ट को देख रहे हैं, चुनावी रिजल्ट जो है ना लाइकिंग का पैमाना नहीं है। और इसका एक एकमात्र उदाहरण मैं आपको देता हूँ। लाइकिंग के आधार पर विचारधारात्मक सवाल पे तो गांधी जी और गोडसे की विचारधारा अलग अलग है, और आप जानते हैं कि ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, तो ये 2 अक्टूबर को गांधी के सामने फूल चढ़ाने क्यों जाते हैं? तो देश गांधी को ज्यादा पसंद करता है कि गोडसे को? आप मुझे बस ये तय करके बता दीजिए। और माफ कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, हिंदू धर्म एक महान धर्म है, इसको किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ करके इसको बदनाम न किया जाए। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लोग जो है बोल देते हैं हिंदुत्व, लेकिन ये हिंदू नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, हम मर्द हैं, जरूरी नहीं है कि मर्दवादी हैं। आप किसी एक जाति में पैदा हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आप जातिवादी हैं। जातिवादी होना एक नकारात्मक विचार है, किसी जाति में पैदा होना आपके हाथ में नहीं है। मसलन आप हो सकता है ब्राह्मण हो, जरूरी नहीं हो कि आप ब्राह्मणवादी होंगे। किसी भी नकारात्मक विचार को जो समेट करके चलता है और उसके आधार पे जो राजनीति करता है, उसको आप अलग कर दीजिए। और हिंदू धर्म इस देश की संस्कृति में बसी हुई है, जिसमें सही सुन्नता है, स्वीकार्यता बाद में है, बच्ची के परिजनों ने घर पहुंचकर मामले की जानकारी परिजनों को दी। जब परिजनों ने पुलिस में केस दर्ज करवाने की बात कही तो गांव में ही मामले को दबाने का प्रयास किया गया। इतनी बड़ी घटना के दबाने के लिए एक पूर्व मुखिया को जिम्मेदार बताया जा रहा है। बताया जाता है कि जैसे ही आरोपी के खिलाफ मामला